वेलकम बैक जी। वो तमाम लोग जिनको किताब पढ़ने का बहुत शौक है और वो तमाम लोग जिनको पढ़ने का शौक है लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो हैबिट किस तरह से डेवलप करें, क्योंकि किताब आपकी कहते हैं ना कि बेहतरीन साथी होती है, बेहतरीन दोस्त होती है। मुझे भी तब पता चला जब मैंने शाहरुख का सेगमेंट देखना शुरू किया, मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। इंटरेस्ट पहले से था, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट मेरा पहले से था, लेकिन वो होता है ना कि आपको मैनेज करना होता है, टाइम देखना होता है, टाइम निकालना होता है, और उसके लिए आपको चाहिए मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको मिलती है शाहरुख नदीम के सेगमेंट से, कि जिस तरह से वो आपको बता रहे होते हैं, जिस तरह से वो आपको सिखा रहे होते हैं और रिव्यू दे रहे होते हैं बुक्स का, कि आपको एक क्यूरियोसिटी होना शुरू हो जाती है कि आज क्या होने वाला है, इस किताब में क्या है। तो आज देखते हैं जी शाहरुख नदीम हमारे लिए किन किताबों का रिव्यू लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग और मेरा सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों के लिए। दोस्तों, उर्दू अदब के मुसन्निफीन में से मुमताज मुफ्ती एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्या ही कमाल और शाहकार किताबें लिख गए हैं मुफ्ती साहब। आई स्टिल रिमेम्बर बैक इन द डे, मेरे वालिद साहब ने उनकी दो बहुत ही जबरदस्त किताबें मुझे गिफ्ट की थीं। एक थी तलाश और दूसरी लबैक। आज भी मुझे याद है कि इनकी कहानियां इतनी पावरफुल थीं कि मेरे जहन में ये आज भी नक्श हैं। आज की गुफ्तगू में हम इन दो किताबों पर नहीं बल्कि मुमताज मुफ्ती की एक बहुत ही जबरदस्त किताब के ऊपर गपशप करेंगे, जिसका टाइटल है अलीपुर का एली। कहने को तो ये ऑलमोस्ट 1000 सफों की किताब है, लेकिन जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो ये इतनी दिलचस्प है कि आप इसी किताब के होके रह जाएंगे। जब अलीपुर का एली 1961 में पब्लिश की गई तो इसके पढ़ने वालों ने ये गुमान किया कि ये एक नॉवल है जिसमें अलीपुर में रहने वाले एक बच्चे एली की कहानी बताई गई है, लेकिन वक्त के साथ मालूम ये हुआ कि ये मुमताज मुफ्ती साहब की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आप बीती है। इस किताब में मौजूद सारे वाकयात और किरदार मुफ्ती साहब की जिंदगी का हिस्सा हैं। अलीपुर का एली की खास बात यह है कि इसकी जबान इतनी सादा इतनी आसान है कि कोई भी शख्स इसको पढ़ सकता है, लेकिन कब ये सादा जबान कहानी की शक्ल इख्तियार करके आपको महव कर लेती है पता ही नहीं लगता। वैसे भी अपनी पर्सनल लाइफ में मुमताज मुफ्ती साहब बहुत ही फ्रैंक और बहुत ही खुले मिजाज के आदमी थे। यही चीज उनकी इस किताब में नजर भी आती है, उनकी लिखाई में इसकी रिफ्लेक्शन मौजूद है। जब वो लिखते हैं तो ऐसे लगता है किताब आपसे बातें कर रही है। अगर अलीपुर का एली की कहानी पर नजर डालें तो ये एक बच्चे की कहानी है जो शदीद एहसास कमतरी का शिकार है, जिसमें खुद एतमादी की कमी है, और चूंकि वो एक हसास बच्चा है इसीलिए वो अपने आसपास के माहौल और लोगों से बहुत ज्यादा असर लेता है। अपनी शख्सियत में इतनी कमियां होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं हकीकत पसंद है और उसकी जात में सच्चाई है। अलीपुर का एली की सारी कहानी इसी बच्चे एली के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी जिंदगी किस तरह आगे बढ़ती है, उसके मुशाहिदात, उसके तजुर्बात, यही इस बुक का मरकजी ख्याल है। मेरे लिहाज से इस किताब के दो पहलू बहुत ज्यादा गौर तलब हैं। एक तो मुफ्ती साहब का अपने वालिद साहब के साथ ताल्लुकात, उनका रिलेशनशिप जो नॉर्मल से कुछ हटके था। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का जो मिजाज है, इंसान की जो नफ्सियात है, वो किस तरीके से इंसान के साथ खेलती है। और दूसरा वो बेहतरीन अंदाज जिसके जरिए मुफ्ती साहब ने खवातीन की नफ्सियात समझाने की कोशिश की है। एक और बेहतरीन बात इस किताब की है मुफ्ती साहब एडमिरेशन फॉर सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड दोस्तों एक ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट था जिसने इंसानी नफ्सियात की उन लेयर्स को समझा, ह्यूमन बिहेवियर को इतनी डेप्थ में समझा जो शायद कोई और साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाया। सिगमंड फ्रॉइड एक कंट्रोवर्शियल फिगर था जिसकी टीचिंग्स को, उसकी तालीमात को बाद में उसके स्टूडेंट्स ने ही डिनाई कर दिया, डिसओन कर दिया। मुमताज मुफ्ती कहीं ना कहीं सिगमंड फ्रॉइड को आइडियलाइज करते थे, उनको अपना उस्ताद समझते थे। दिस इज समथिंग कॉमन बिटवीन मी एंड मुफ्ती साहब। अलीपुर का एली इसी वजह से साइकोलॉजी के एतबार से, इंसानी नफ्सियात के एतबार से एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। बाय द वे ये उनकी जिंदगी का पहला हिस्सा है। उनकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा उन्होंने कवर किया है एक और किताब में जिसका नाम है अलख नगरी, उसके ऊपर भी जल्द जरूर बात करेंगे। इंसान की जिंदगी के उतार चढ़ाव और उसकी शख्सियत और नफ्सियात की नशोनुमा समझने के लिए अलीपुर का एली एक बेहतरीन किताब है। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त रिव्यू दे रहे होते हैं शाहरुख, तो हमारी नज़रें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। मुमताज़ मुफ्ती साहब की किताब के बारे में उन्होंने बताया और किस तरह से मुझे अच्छा लगा कि शाहरुख ने ख़ुद से रिलेट किया कि इनकी इस चीज़ से मैं भी रिलेट करता हूँ, इस आदत से मैं भी रिलेट करता हूँ।
तो आप भी जब कोई किताब पढ़ रहे हो और उससे आप रिलेट कर रहे हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और शाहरुख अभी ये सेगमेंट देख रहे हैं तो आज भी हमें रिक्वेस्ट आई है कि शहाबनामा पे भी आप हमें रिव्यू दें। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि किसी और किताब पर भी शाहरुख नदीम को रिव्यू देना चाहिए तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएंगे, हम शाहरुख तक आपका पैगाम पहुंचाते रहेंगे। अच्छा जी, हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, लेकिन उससे पहले वो तमाम लोग खुश हो जाएं जिनको हमने बताया था कि कराची जो है, हमने बहुत सारे सेगमेंट्स कराची में हमने रिकॉर्ड किए और उसमें ये उसकी वजह ये थी, मेन वजह कि आपके पसंदीदा सितारों से आपकी मुलाकात करवाई जाए क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही होती थी। तो जनाब आपको कराची का एक सेगमेंट हम दिखाएंगे, लेकिन जब भी हम बात करते हैं ड्रामा इंडस्ट्री की तो हमारे माइंड में जब भी कोई मजाहिया किरदार की बात आती है, कोई संजीदा किरदार की बात आती है और कोई ऐसी शख्सियत जिनके ड्रामे हम बचपन से देख देख कर बड़े हुए और अभी भी हमने उनको वैसे ही पाया, उनकी पर्सनालिटी, और ऐसा फील ही नहीं होता कि अच्छा अब इतने बड़े हो गए उनको देखते देखते। मैं बात कर रही हूँ शहजाद रज़ा साहब की। जनाब बहुत सारी यादें हैं मेरी, खुद जब उन्होंने बातचीत उनसे हुई तो मुझे पता लगा जी ये यादें मेरी भी साथ साथ है, मैं रिलेट कर रही होती थी। आपकी यादें भी आज बहुत सारी ताज़ा होंगी। शहजाद रज़ा साहब से बहुत मज़े की गुफ्तगू हुई, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, ये है राइजिंग पाकिस्तान।